गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज कुकी का स्कूल से छुट्टी है क्योंकि बड़े क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहा है। तो बीच बीच में कुकी का एक दिन या दो दिन जो छुट्टी हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सुबह के टाइम पर तो वो ऑलमोस्ट हर रोज़ छतुआ खा कर जाता है और चौकोस बहुत ही कम खा पाता है। लेकिन आज वो घर पर है तो उसका चौकोस खाने का मन हो रहा था, तो मैं इसे चौकोस दे दी खाने के लिए। और यहाँ पर लंच के लिए मैं बना रही थी, मतलब बन चुका है ड्रमस्टिक आलू और बड़ी बैंगन, ये मिलाकर एक के मस्टर्ड पेस्ट देकर करी। दूसरी साइड में भिंडी भाजी बन रहा है। तो ये मेरा लंच तो बनकर रेडी हो गया है और इनके टिफ़िन के लिए मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ और एक के भाजी भी बनाकर मैं रख चुकी हूँ पहले से। तो चलिए मेरी लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल पर किसी भी कहीं भी जगह पर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 पहले से जाने से पहले एक लाइक तो ज़रूर करते ही जाना। आई थिंक इतना तो आप कर ही सकते हो, एक लाइक का बटन हिट तो कर ही सकते हो। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर दीजिए। आज पता नहीं मुझे चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। पहले तो मैं एक बड़ा कप से चाय भर भर कर पीती थी और अब तो मैं 6 महीने से ऊपर भी हो गया है, मैं चाय पीना एकदम से बंद कर दिया है। लेकिन आज मन हो रहा था तो मन की तो सुनना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर एकदम छोटे वाले कप के हिसाब से मैं यहाँ पर बना रही थी चाय। तो दूसरे साइड में ये देखिए चाय मेरा उबल के नीचे आ गया है और चाय के साथ मैं हमेशा बिस्किट ही खाती हूँ, पसंद करती हूँ खाने के लिए। और आप लोग भी चाय के साथ क्या खाने की पसंद करते हो मुझे बताना ज़रूर, अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपनी चाय एंजॉय करने के लिए। और ये देखिए कुकी यहाँ पर बुक फैलाकर नहाने के लिए चला गया है, मतलब ये सब बहानाबाजी है। उसका खाना ख़त्म होने के बाद मैंने जब बोल दिया कि कुकी पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो वो फटाफट बोला है कि मैं थोड़ी सी नहा कर आ जाती हूँ फिर मैं पढ़ूँगी। तो मैं बोली हाँ तो ठीक है, चला जा नहाने के लिए, फिर आने के बाद फ्रेश होकर आराम से पढ़ोगी। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय पीने के साथ साथ सोशल मीडिया पर थोड़ी सी विजिट कर रही हूँ। और एक बात, मैं तो पहले के टाइम पर हर रोज़ चाय पीती थी और उस चाय पीने के टाइम पर मेरी डेली जो मतलब मैं देखती थी वीडियो पे यूट्यूब पे वो था फ्लाइंग बीस्ट का चैनल। और अभी भी मैं फ्लाइंग बीस्ट का चैनल देखती हूँ लेकिन अभी ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। अगर आप चाय पीते हो और उसके साथ अगर आप सोशल मीडिया पर चेक नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा चाय पीने का। और कुकी नहा धोकर रेडी होकर फ्रेश होकर पढ़ने के लिए, सुबह के टाइम पर तो कुकी का बिल्कुल भी मन नहीं होता है पढ़ने के लिए, लेकिन आगे चलकर उसका एग्जाम भी आने वाला है तो मैंने यहाँ पर उसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा दिया है। और यहाँ पर शुरू हो गई है हमारे माँ बेटे दोनों की पढ़ाई। थर्ड क्या आता है? अर्थ। फोर्थ क्या आता है? जुपिटर। नहीं, फोर्थ आता है मार्स। मार्स नहीं, पहले इतना करो। मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। पढ़ाई हो गई है ख़त्म और कुकी की यहाँ पर हो रहा है नेल कटिंग। और बच्चों की इतना जल्दी नेल ग्रोथ होता है कि हफ्तों में 2 बार कुकी का तो नेल कटिंग करना पड़ता है। और अभी अभी मैं आ गई हूँ ये जो सारा सामान लेकर आई थी ये सब रखने के लिए। साथ में मैं अपने फ्रेंड के साथ भी बात कर रही हूँ, उसके साथ में बात कर करके ही ये सारा सामान कर रख लूँगी।
सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30 और जा रही हूँ अभी मैं खाना बनाने के लिए। पता नहीं अचानक से कुकी का तबीयत मतलब पेट दुखने लगा शाम के टाइम पर। इसका मतलब पेट दर्द होने वाला जो इशू है उसका बहुत ही कम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा शायद उसका कुछ एसिडिटी वगैरह हो गया है, तो मैंने उसको एसिडिटी की जो टैबलेट होता है उसको दे दिया। लेकिन उसका पेट और मतलब दुखने लगा और 4 बार तो वोमिटिंग हुई और 2 बार तो लूज मोशन भी हुआ। तो फिर हम लोग रात की 9 बजे गए क्लिनिक पर, डॉक्टर भी नहीं थे। फिर हम लोग रिटर्न करके जो ना मेडिसिन वो खा रहा था वही मेडिसिन हम खरीद के लाए और अभी उसे थोड़ी सी मतलब बॉयल राइस और बॉयल्ड आलू के साथ मिलाकर उसको थोड़ी सी मतलब 3-4 बाइट ही वो खाया है। फिर उसको मेडिसिन देकर खिलाकर मैंने सुला दिया है। तो जा रही हूँ अभी कुछ बनाने के लिए। अचानक से बच्चों का तबीयत ख़राब हो जाता है तो मन थोड़ा सा ख़राब लगता है। रास्ते में भी 2 बार उसका वोमिटिंग हुआ। तो अभी के लिए मैं अपनी वीडियो को एंड पे करती हूँ एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। मेडिसिन खाकर सो तो गया है। मैं अभी उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करी क्योंकि इस टाइम पर जब भी उसका पेट दुखना वगैरह होता है मतलब ये स्टोमक इन्फेक्शन ही होता है और कभी कभी स्टोमक इन्फेक्शन में टेम्परेचर भी आ जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए उसके बॉडी में टेम्परेचर नहीं है तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही है। कल तक वो एकदम ठीक हो जाए। बच्चों की अगर इतनी बार वोमिटिंग हो जाए तो उनका खाने के साथ साथ पीना भी बंद हो जाता है, लेकिन हमें ही उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर उसके लिए ORS का पानी बना रही हूँ और रात भर में आज जितने बार भी वो पानी पिएगा वो यही ORS का पानी पिएगा। तो मैं यहाँ पर 200 ml पानी में ही ये एक सैचेट पूरा मिला दूँगी।